नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। सपा नेता कितने बड़े गुंडे हो रखे हैं, इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई है। जहां एक सभा के दौरान महासचिव ने मंच पर जिला अध्यक्ष को अखिलेश यादव के सामने तमाचा दिखा दिया। देखिए हमारी रिपोर्ट। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, ये कोई नौसिखिया नेता नहीं बल्कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजुलाल सुमन है, जो सपा के ही जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा को भरे मंच पर तमाचा दिखा रहे हैं। और वो भी तब जब मंच पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव खुद मौजूद थे। आपको बता दें कि यह घटना आगरा के बांह सीट की है, जहां चुनाव प्रचार के दौरान रामजुलाल सुमन जनता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा अखिलेश यादव से बातचीत कर रहे थे। जो बात रामजुलाल को पसंद नहीं आई, जिसके लिए उन्होंने दो बार इशारा करके जितेंद्र वर्मा को बात करने से मना किया, लेकिन जब जितेंद्र वर्मा नहीं माने तो रामजुलाल सुमन के गुस्से का बांध टूट गया और वो माइक छोड़कर जितेंद्र वर्मा के पास पहुंचे और उन्होंने अखिलेश यादव के सामने जितेंद्र वर्मा को तमाचा दिखा दिया। इस घटना के बाद जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की हंसी छूट गई और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। इसके बाद दोनों ने बातचीत भी करना बंद कर दिया। इसके बाद अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित किया और उन्होंने सत्ताधारी बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला, तो साथ ही सीएम योगी को भी निशाने पर रखा। इसके साथ ही किसानों के साथ युवाओं को भी अखिलेश यादव ने रिझाने के लिए वादों की बौछार लगा दी। साथ ही इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता में आए तो यूपी में आलू की प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। अखिलेश यादव इतने पर नहीं रुके, साथ ही उन्होंने ये भी कह डाला कि यदि जरूरत पड़ी तो हम वोडका प्लांट भी लगवाएंगे। बहरहाल इस घटना से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने जब ऐसी हरकतें कर सकता है, तो भला अकेले में वो कार्यकर्ताओं के साथ कैसा बर्ताव करता होगा। अखिलेश यादव के सामने ऐसी घटना हुई, बावजूद इसके उन्होंने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और घटना पर हंसते दिखे। ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि अगर सपा की सरकार बनी तो फिर प्रदेश की जनता के साथ कैसा व्यवहार होगा। और सवाल ये भी है कि क्या एक महासचिव को ऐसी हरकत करना शोभा देता है, जो पहले केंद्रीय मंत्री के पद पर रह भी चुका हो। कैपिटल टीवी फिलहाल के लिए बस इतना ही। यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।